से जो कि एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं। मीडिया और पेंटिंग में इनका खासा नाम है। तो आइए कमल जी, आप बताएं कुछ अपनी पेंटिंग्स के बारे में। ये विश्व की शायद पहली प्रदर्शनी होगी जहां मतलब 10 करोड़ से ज़्यादा मंत्रों का उच्चारण ब्रह्म की तरफ ले जाने के लिए मैं कर रहा हूँ। 17 से 18 साल इसको लगे हैं सुबह 5 बजे तक करने में, और इस अक्षर यात्रा में अक्षर को मैं ब्रह्म मान रहा हूँ। जैसे कि मस्जिद में लिखने की प्रक्रिया में जैसे उर्दू का उपयोग होता है, 13 पंथ में जिस तरीके से अक्षर की पूजा होती है, उसी तरह से मैं एक अक्षर यात्री हूँ। और एक अनोखा चीज़ देखने को आपको मिलेगा, और मेरा अनुरोध है आप लोगों से, अगर आप मिस करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। क्या मैसेज पब्लिक के लिए, कुछ खास मैसेज? खास ये है कि आप ताज कोलाबा में, अपोलो बंदर ताज कोलाबा में आएं, और आने के साथ में और आप इन करोड़ों मंत्रों के बीच में एक पालीताना और शेखर जी की यात्रा करें। ये करने से आपका शुद्धिकरण होगा और आपको इतना आनंद आएगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। ताजमहल के बाद 8वां आश्चर्य का आनंद हम आपको देने वाले हैं। आप इसको मिस ना करें, आप आए मेरे पास और आनंदित होके जाएं। धन्यवाद कमल जी, आपके इस आनंद के सफर में हम भी हैं, और हम चाहते हैं, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप इस सफर में और आगे बढ़े, सफल हो। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Excuse me, just tell us in a brief what you feel about these different paintings here, and you just say about your name also. Okay. Yeah. What's your name? My name is Edith Toledano. Yeah. I'm from the African Studies Gallery in Tel Aviv, in Israel. Yeah. I work, I teach art, I curate art, and I find this exhibition extremely moving. Yeah. It was just by a chance that I popped in, and I think it's another proof that challenge art is really can negotiate between people without really understanding what it means. But if you see the work behind me, and you, the way the artist is using four handwritings, so four languages, and the way he spreads his love over those people and the wish for peace for them. It's really exciting. It's really moving. Okay, thank you very much. It's nice talking with you. Thank you. Okay, so all the best. Thank you. Bye-bye. And this संतोष मंडलिचा जी, यू आर प्रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। ओके ओके, संतोष जी, क्या आप कहना चाहते हैं कमल जी की इन तमाम पेंटिंग्स के बारे में? आज ये सारी पेंटिंग्स देख करके एक नया अजूबा देखने को हमको मिला है। जिस तरह से इन्होंने नवकार मंत्र को अपने पेंटिंग्स में संचित करने का प्रयास किया है, मेरे को लगता है कि एक अजूबा है। हर व्यक्ति ने उनकी सोच का, इस पेंटिंग का जरूर देखना चाहिए, जिस वजह से इनका काम और एक चित्रकार की सोच विचार में आ सकता है, और इस ब्रह्मांड को किस सोच से देख सकता है, यह सब लोग इसका जरूर जरूर बेनिफिट ले, ये मैं आपको इस मौके पे कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।